बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। दोस्तों आज की इस क्लास में जो प्रश्न मैंने चूज किए हैं वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। लगभग लगभग 4 से 5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपना रिटर्न पैटर्न पर एग्ज़ाम करा चुकी हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैंने रिपीटेड प्रश्नों को चूज किया है जो आप सभी के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों आज आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर था, अवध यूनिवर्सिटी का आज पेपर था केमिस्ट्री का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आए थे और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोग को दी थी वहीं से पूछे गए थे। तो इसी बेस पर आज मैंने आप सबके लिए बॉटनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। मुझे आशा है कि जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में उनकी जो शब्द सीमा होती है वो 50 शब्दों की होती है। तो आज जो मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चूज किए हैं आप लोग के लिए वहाँ से शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक्स तो आप लोग को पता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बॉटनी का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोग को दिया था कि इस टॉपिक से इतना प्रश्न पूछा जाएगा, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उस टॉपिक्स को तैयार किया होगा तो निश्चित तौर पर वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने आज केमिस्ट्री का जब पेपर दिया तो आपने देखा कि जो लॉन्ग आंसर में पूछा जाना था, जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जाना था वो आपका वेरी शॉर्ट में आ गया है, शॉर्ट टाइप में आ गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग अगर किसी भी टॉपिक को तैयार करें तो उसको कम्प्लीटली ज़रूर तैयार करिएगा। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताता रहूँगा, क्वेश्चन तो मैंने नोट कर लिए हैं कि जो इम्पॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ उनके टाइप्स भी बताऊंगा कि ये किस टाइप से, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन में सी में भी पूछे जाने की संभावना है या नहीं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न मैंने आप लोग के लिए तैयार किया है जेमा कप, जो अभी तक के 3 यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। जेमा कप अभी तक की 3 यूनिवर्सिटी में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इस बार भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसिडोइलेटस, तो पेसिडोइलेटस जो है ये भी दोस्तों लगभग लगभग 2 यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में यही पूछा गया था और अभी हाल ही में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी और है, ठीक है, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU है उसी से रिलेटेड एक प्रकार की यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पेसिडोइलेटस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने रखा है टिलोम थ्योरी, टिलोम थ्योरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इनको आप ज़रूर देख लें। नेक्स्ट आपको देखना है आर्किगोनेटस, आर्किगोनेटस क्या होते हैं, तो दोस्तों आर्किगोनेटस इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट, आर्किगोनेटस प्लांट बिलोंग टू द ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, यानी कि आर्किगोनेटस पादपों का क्या होता है, एक प्रकार का समूह होता है जिसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म ये सभी इनसे क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और ब्रायोफाइटा एक प्रकार का क्या होता है, सुव्यवस्थित आर्गोनियम धारण करने वाला एक प्रकार का मादा प्रजनन तंत्र होता है, यानी प्रजनन अंग होता है आर्गोनियम का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, आर्गोनेटस अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि आर्किगोनेटस इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट एंड आर्किगोनेटस प्लांट बिलोंग टू द ब्रायोफाइटस टेरिडोफाइटस एंड जिम्नोस्पर्म, इतना अगर आप लिख देते हैं तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा अगर आप इतना ही लिखते हैं। दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि राइट ए शॉर्ट नोन आर आर्किगोनेटस, तो ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाइपोथोडियम इनफ्लोरेसेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक,
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड कम्प्लीटली आप तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है ये शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। जो मैं प्रश्न आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे आशा है कि लगभग लगभग यहाँ से आप लोग का 75% क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, क्योंकि इसको पहले ही मैंने डिफाइन कर दिया, पहले ही बता दिया था। और जिनका नहीं तैयार है, जो 25% बाकी जो इसमें हैं क्वेश्चन, वो नहीं तैयार है, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि एक आध दो क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए यहाँ से। शॉर्ट नोट्स में तुरंत जिनका जो भी नहीं मिला है वो आपको तुरंत भेजने का मैं प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, व्हाट आर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इस बार पूछे जाने की संभावना है, अभी तक की 2 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से रिविजन करके ही जाइएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। 9वां नंबर है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास उनको आप तैयार कर लीजिएगा। और कोरेलाइड रूट जो है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका टॉपिक आप कंप्लीटली तैयार करके आ जाइएगा, हो सकता है ये आपसे वेरी शॉर्ट में ना पूछे, शॉर्ट में पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज स्टील, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टील, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो सकता है ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, ये अगर लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्ग आंसर में, तो किस प्रकार से पूछा जाएगा, पूछा जाएगा व्हाट आर स्टील और इसके टाइप पूछा जाएगा, टाइप पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली देख लीजिएगा, इसको मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट है एम्फीबिलस वैस्कुलर बंडल, एम्फीबिलस वैस्कुलर बंडल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अभी तक का लगभग लगभग 3 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं, इसलिए मैंने आप लोग को दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है जीवाश्म, जो अभी तक की हर यूनिवर्सिटी इसको पूछ चुकी है, 100% सभी यूनिवर्सिटी में पूछा ही गया है, तो जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म के प्रकार टाइप याद रखिएगा, और इनका क्लासिफिकेशन भी आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी पूछ लिया जाता है या बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस पूछ लिया जाता है, तो जीवाश्म का बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस और टाइप आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, टाइप्स भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर में भी पूछे जाने की संभावना इस बार आपकी यूनिवर्सिटी में है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साइलेंट फीचर ऑफ द टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का साइलेंट फीचर पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अभी तक की लगभग लगभग 2 यूनिवर्सिटी इसको पूछ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, व्हाट इज ड्रूप, ड्रूप क्या होता है, ये अभी हाल ही में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आप कुछ ना पढ़ें, इन 14 टॉपिक्स को ही पढ़ लें, ठीक है, ये 14 टॉपिक्स, टॉपिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीटली अगर पढ़ लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि यहाँ से लगभग लगभग 5 प्रश्न आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है, 5 प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। रही बात कि जूलॉजी का आप लोगों ने पेपर दिया, तो जूलॉजी में आप लोगों ने कहा सर टॉपिक्स से तो आए ही नहीं, देखिए टॉपिक्स से जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था वहाँ से तो प्रश्न आए ही थे, लेकिन क्या हुआ कि प्रश्न को जैसे कि यहाँ पर है स्टील, अब स्टील को 2 टाइप से पूछ सकता है, प्रोटो स्टील क्या होता है, पूछ ले व्हाट आर प्रोटो स्टील, तो ये आप नहीं कह सकते स्टील से नहीं आया, स्टील से आया ना क्वेश्चन, तो आप स्टील जब पढ़ेंगे तभी तो आप प्रोटो स्टील के बारे में पढ़ पाएंगे, है ना, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन उसमें घुमा करके पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन इस बार हार्ड बनाया गया अवध यूनिवर्सिटी द्वारा, तो वो क्वेश्चन पेपर जिनको नहीं मिला है वो मैं आपको कल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, खासकर अवध यूनिवर्सिटी वाले सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग ध्यान से इन प्रश्नों को देख लें, मुझे आशा है कि आप लोग पहले ही तैयार कर चुके होंगे, अगर नहीं तैयार किए इनमें से कोई भी प्रश्न तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, कल आपका एग्ज़ाम है और मेरा बिल्कुल प्रयास है कि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए, दोस्तों मैं अपना पूरा 100% दे करके इन प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास करता हूँ, और मैं यही प्रयास करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं। मॉडल पेपर तैयार करना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन सेट करें कि यही एग्ज़ाम में आए,
दोस्तों मैं मॉडल पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो अभी हाल ही में पेपर कराए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी द्वारा उन क्वेश्चनों को देखते हुए मैं तैयार करता हूं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिफरेंट पूछे तो उसके लिए थोड़ा सा तो आप लोग को कष्ट देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई बुक है, आपने देखा होगा जूलॉजी के आपके पास जो भी नोट्स होगा उसमें इस टाइप के लगभग लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने दिए ही नहीं हैं, यानी टॉपिक्स दिए ही नहीं हैं, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं दिया है, टॉपिक्स है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो उस पर आप ध्यान, चलिए क्लास पर ध्यान देते हैं। तो जो बात थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे शॉर्ट आंसर में आपको क्या तैयार करना है। अभी तक के ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट आंसर के। दोस्तों पहला प्रश्न है, व्हाट इज द पॉलिनेशन, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है, पॉलिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट आर पॉलिनेशन, बताइए पॉलिनेशन होता क्या है या पोलियन क्या होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो इसका टॉपिक आप पूरा का पूरा कवर करिएगा। क्वेश्चन नंबर दो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दो है, डिफरेंस बिटवीन सैपवुड एंड हार्डवुड। अभी तक की हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछी है और मुझे आशा है कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाने वाला है। वीर बहादुर पूर्वांचल और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन ध्यान दीजिए। जिम्नोस्पर्म के बारे में कंप्लीटली आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिन्होंने तैयार कर लिया है बहुत अच्छी बात है और जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ साइकस, यानी कि रिप्रोडक्शन, साइकस का रिप्रोडक्शन आपको डिस्कस करना है। तो साइकस का टॉपिक आप लोग कंप्लीटली देख लीजिएगा, साइकस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिप्रोडक्शन ना पूछा जाए, ठीक है, हो सकता है रिप्रोडक्शन ना पूछा जाए, साइकस के बारे में एलएस और डीएलएस पूछ लिया जाए, ठीक है। तो साइकस आप लोग नोट कर लीजिए, साइकस का टॉपिक कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी तक दो यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेसर बीरबल सहानी। ये जो है अभी हाल ही में पेपर हुआ था दोस्तों, अलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक यूनिवर्सिटी और है जहां पर ये पूछा जा चुका है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बीरबल सहानी के बारे में, प्रोफेसर बीरबल सहानी के बारे में देख लीजिएगा, और एलएस ऑफ फ्लावर, एलएस फ्लावर का भी आप टॉपिक डिस्कस कर लें, ये मैंने आप लोग को भेज दिया है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर छः है कि गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रिस्किया विथ डायग्राम ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रिस्किया से ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो इस बार भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। गिव ए डिटेल्ड अकाउंट आप लाइफ साइकिल आप रिस्किया, लाइफ साइकिल पूछा जाएगा तो आप लोग इतना ही केवल तैयार करिए, लाइफ साइकिल आप रिस्किया और इसका डायग्राम, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सात है दोस्तों कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओवेलियस फाउंड इन एंजियोस्पर्म, यानी कि आपको एंजियोस्पर्म के बारे में तैयार करना है और ये क्वेश्चन सीधा सीधा इसी प्रकार से तीन यूनिवर्सिटी में अभी तक पूछा जा चुका है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ ओवेलियस फाउंड इन एंजियोस्पर्म, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एंजियोस्पर्म के बारे में कंप्लीट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इस बार आने की पूर्णतया संभावना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखती है, क्वेश्चन नंबर आठ क्या पूछा जाएगा, एपोमिक्सिस क्या होता है और इसका असामान भ्रूण विकास की इसकी भूमिका बताइए, भ्रूण विकास की इसकी भूमिका बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर आठ आप सभी के लिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, दो यूनिवर्सिटी लगातार इसको पूछ चुकी हैं ये क्वेश्चन और इस बार भी आप पे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास देखेंगे तो वहाँ पर मैंने एपोमिक्सिस के बारे में आप लोग को बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नौ है, मोनोकॉट एंड डाईकॉट रूट, जो अभी तक की हर यूनिवर्सिटी पूछी है, मोनोकॉट रूट क्या होता है, डाईकॉट रूट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए, या तो इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछ लेगा
कि दोनों होते क्या हैं और हो सकता है इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाए कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो मोनोकॉट और डाईकॉट रूट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दो ये हो गया और एक है हार्ट वुड और एक है दोस्तों सैप वुड, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केशिया थैलस विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केशिया थैलस विथ हेल्प ऑफ डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम दे कर आएंगे तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोलॉजिकल पीरियड्स या जियोलॉजिकल टेबल, ठीक है, या जियोलॉजिकल स्केल पूछ लिया जाता है, ठीक है, टाइप्स बदल सकता है लेकिन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोलॉजिकल पीरियड, जियोलॉजिकल स्केल या टाइम, तीन टाइप से पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये रहे आपके शॉर्ट टाइप के 11 सेलेक्टेड क्वेश्चन जिनका मैंने प्रयास किया है कि ये हो सकता है आपके एग्जाम में आए, क्योंकि ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि कौन से वो टॉपिक्स छूट गए हैं जिनका मैंने डिस्कशन नहीं किया था, जिनको आप अभी तक नहीं बताया था, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक, अगर हो सकता है आप लोगों ने तैयार किया हो, कुछ लोग हैं जो उसको तैयार किए होंगे और कुछ लोग हैं जो तैयार नहीं किए होंगे, तो वो ज़रूर एक बार देख लेंगे इन टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है रूट सिस्टम एंड फ्लावरिंग प्लांट, रूट सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट आपको तैयार करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, लीफ के बारे में टाइप्स ऑफ लीफ यानी पत्तियों के प्रकार और पत्तियों का स्ट्रक्चर कंप्लीटली आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला जो आपका है सीड एंड डियर टाइप्स यानी बीज और उनके प्रकार, आप लोग इनको भी देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बीज क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइप्स, टाइप्स पूछा जाता है। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। पहला प्रश्न है परमानेंट टिशू, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परमानेंट टिशू, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। परमानेंट टिशू जिन्होंने अभी तक नहीं तैयार किया है वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यही प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट में दे दिया जाए, ठीक है, तो परमानेंट टिशू तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है जाइलम, जाइलम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाइलम का टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। अगला है टाइप्स ऑफ द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का क्लास देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने वस्कुलर बंडल के बारे में आप लोग को बताया था। नेक्स्ट है पेडोइलेटर्स, ठीक है, पेडोइलेटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो लास्ट है इम्पॉर्टेंट का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, तो टेरिडोफाइटा जो आपका दूसरा यूनिट है उसको आप लोग कम्प्लीटली जरूर तैयार कर लीजिएगा टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। अब हम लॉन्ग आंसर के प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों। जो लॉन्ग आंसर में मैंने प्रश्न चूज किया है वो सभी रिपीटेड हैं और कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो पूछा जाएगा व्हाट आर फॉसिल यानी जीवाश्म क्या होते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जीवाश्म क्या होते हैं, क्या होते हैं जीवाश्म, ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा टाइप्स, इनके प्रकार पूछा जाएगा और इनका क्लासिफिकेशन, और हो सकता है जीवाश्म का पूछ लिया जाए बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है इस बार, इसमें हटना नहीं है, ये क्वेश्चन कटेगा नहीं, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ फ्रूट आर फॉर्मेट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट, फल कैसे प्राप्त होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप के बारे में वर्णन कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फ्रूट चार्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा फ्रूट चार्ट, तो फ्रूट चार्ट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, फ्रूट चार्ट भी देख लीजिएगा, और
कैसे आप लोग को प्राप्त होते हैं, इनके वेरियस टाइप के बारे में भी आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वो है व्हाट इज मेरिस्टेम, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट इन ए प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भैया 100% इस क्वेश्चन पर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 100% दीजिएगा। अभी तक की हर यूनिवर्सिटी इसको लॉन्ग आंसर में पूछ चुकी है, तो इस बार आपकी यूनिवर्सिटी यानी अवध यूनिवर्सिटी वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आने की पूरी पूरी संभावना है इस प्रश्न की, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका चूज किया है, डिफाइन द पोलिनोलॉजी, डिस्क्राइब द पोलियन मार्फोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लास्ट यूनिट का टॉपिक्स है यानी क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये अभी तक 2 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न पूछ चुके हैं और यही प्रश्न हूबहू पूछा गया था आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन आप लोग को तैयार करना है। एक चीज़ और पूछ लिया जाता है कि ब्रायोफाइटा को उभयचर, पादप जगत में ब्रायोफाइटा को उभयचर क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर मैं पहले भी भेज चुका हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर रही बात सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर पहले भी प्रोवाइड करा दिया था। आज मैं आप लोग को दिन में नहीं दे पाया क्योंकि मैं आज एग्ज़ाम चल रहा था कॉलेज में, क्योंकि आज केमिस्ट्री का पेपर था तो वहाँ पर गाड़ी लगी हुई थी, इसलिए मैं जो है आप लोग को सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाया। तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। मैं पूरा कोशिश यही किया हूँ दोस्तों कि आप लोग का पेपर अच्छा हो, और अच्छा ही होगा अगर आप लोग जो क्लास किए हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैंने केवल और केवल एक, अगर एक ही क्लास आपने हमारी देखी होगी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की थी, और जो लास्ट में मैंने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अगर उतना ही आप लोगों ने देखा होगा तो निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम में लगभग 75% क्वेश्चन लाएंगे, 75% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएगा, 75% क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये मत कहिए, जैसे मेरी टीम पर देखिए, मैं आप लोग को एक बात समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग के मन में आ जाता है कि सर आपके मॉडल पेपर से प्रश्न नहीं आए। दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन का टाइप बदल जाए लेकिन टॉपिक्स वही रहता है। अगर आप टॉपिक्स पढ़े रहेंगे, जैसे कि आप मेरी स्ट्रीम पढ़े हुए हैं, तो मेरी स्ट्रीम से 2 प्रकार के पूछ सकते हैं। हो सकता है यही पूछ लिया जाता कि मेरी स्ट्रीम होता क्या है, उसके टाइप ही बताइए, या आपसे यही पूछ लिया जाता कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरी स्ट्रीम प्रेजेंट इन प्लांट, समझ रहे हैं ना। तो अगर टॉपिक्स आपको क्लियर है, टॉपिक्स आप तैयार किए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं बात कर लूँ ब्रायोफाइटा की, ठीक है, ब्रायोफाइटस से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत में उभयचर क्यों माना जाता है, ये बताइए, या पूछ लिया जाएगा कि ब्रायोफाइटा होता क्या है, या इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाए। तो भैया अगर इस प्रकार से पूछा जाता है तो ब्रायोफाइटा अगर आप तैयार किए हैं तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप दे पाएंगे ना, है ना, दे पाएंगे। तो इस कहने का मतलब ये है कि टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप 100% दीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास से, ठीक है। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, और जो भी हमारे साथ पहली बार नए हैं, जुड़े हुए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब आप लोग का जैसा कि आज जूलॉजी का, कुछ लोग का जैसे माफ़ करिएगा बॉटनी का एग्ज़ाम अवध यूनिवर्सिटी का, जो भी बायोलॉजी से थे उनका ख़त्म हो जाएगा। मैथ का पेपर बच रहा है तो मैथ का मैं आप लोग को इम्पोर्टेंस देने का प्रयास करूँगा बाद में। अब आपकी जो थर्ड सेमेस्टर की क्लास है वो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट की जाएगी, जहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स बाई टॉपिक्स हम चलेंगे, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी की आप लोग की क्लास बहुत ही नियमित चलाई जाएगी। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की नहीं, इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे थे दोस्तों क्योंकि आप लोग का पेपर चल रहा था। अब लगभग ये मानकर चलिए कि अभी 60% यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने अभी पेपर नहीं करवाया है, 40% को यानी कि यूनिवर्सिटी पेपर करा चुकी हैं, तो इसी वजह से क्लास नहीं स्टार्ट हो रही थी, लेकिन आपको 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्लास मिलेगी रेगुलर क्लास, ठीक है। टाइम टेबल आप लोग को मैंने बता भी दिया है और ओल्ड पैटर्न पर ही चलेगा, जैसा कि आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम यानी सेकंड सेमेस्टर में जिस प्रकार से क्लास चलती थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आप लोग को इस क्लास में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप लोग के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।